इनकलाब जिंदाबाद 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 आपका इनकलाब जिंदाबाद 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 आपका इनकलाब जिंदाबाद। महापर्वे में नगर परिषद जो चुनाव 9 जून को होने वाला है, तो नगरवासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम कर रहा हूँ और नगर परिषद के सभी सम्मानित गार्जियन, बड़े भाई, छोटे भाई, माता बहन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है, क्रमांक संख्या 26 पर अंकित है। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। मैं सभी मतदाता भाई बंधुओं से मैं अपील करता हूं कि मुझे वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ये जो नगर पालिका चुनाव होने वाला है जी, तो इसमें नगर वासियों के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, संदेश क्या होगा? देखिए, मेरा सबसे पहले तो मैं जितने बस्ती के गरीब लोग हैं, मैं सबसे पहले उन लोगों पर ध्यान दूंगा। अगर उन लोगों का विकास होगा तो शहर का अपने आप विकास होने लगेगा। कुछ सबसे बड़ी यहाँ पे और समस्या है, जाम वाली समस्या, इसके बारे में आप क्या कहना? जी, जाम वाली समस्या जो है, तो जाम वाली समस्या एक के नगर परिषद के, मतलब कि वो नगर परिषद के क्षेत्र में तो जाम तेंदुनी चौक है, थाना चौक है, ये दोनों चौक तो नगर परिषद के ही अंडर में है, लेकिन जो मुख्य पथ है वो एक स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार से संचालित होता है जी। तो हमारी प्रयास रहेगा कि नगर परिषद से जो काम होने वाला है उस काम को मैंने करने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे कि शहर के सभी नगरवासियों को जाम से मुक्ति मिले, उसके लिए मैं पहल करूंगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे ऑटो स्टैंड या बस पड़ाव नहीं है, जिससे बहुत काफी दिक्कत परेशानी होती है, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? जी, यहाँ पर बस स्टैंड और टेम्पो स्टैंड का जो अस्थाई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा जगह बिहार सरकार जो है कि जहाँ अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो इसमें सरकार की भी मदद लेना पड़ेगा, इसलिए कि जितनी भूमि जो सरकार बिहार सरकार भूमि है वो सरकार से तो नोटिस लेने के बाद ही उस पर वर्क हो सकता है, लेकिन अच्छे तरह से भी बस स्टैंड बनने के लिए पर्याप्त जमीन है, टेम्पो स्टैंड बनने के लिए पर्याप्त जमीन है और सब्जी मंडी के लिए भी पर्याप्त जमीन है, लेकिन सब्जी मंडी को सुचारू व्यवस्था ढंग से व्यवस्था अगर कर दिया जाए तो मेन रोड पर सब्जी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई उसका व्यवस्था करने पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। नगर परिषद में एक और सबसे बड़ी समस्या है, मात्र नगर परिषद में तेंदुनी चौक पर ही शौचालय है, बाकी और किसी भी जगह शौचालय नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ये बात सही है कि पूरे तेंदुनी चौक में एक चौक पर शौचालय है जी, और एक शौचालय तेंदुनी वार्ड नंबर 2 में भी है जी, लेकिन वो डेड हो गया है जी। उसको भी सरकार जो थी, उसके पहले भी जो सरकार थी, उसमें काम कोई नहीं किया, लेकिन वो बहुत अल्टा पड़ता है, दूर पड़ता है। ये बाजार में शौचालय बनाने की आवश्यकता है, सरकार जो भी सरकार रहा वो भी प्रयास नहीं कर पाया, अगर प्रयास करता तो 2-4 जरूर बन जाते, और इससे महिलाओं को तो दिक्कत है, ये तो इसमें कहना क्या है, सभी लोग देख रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो छात्रों के लिए विशेष सुविधा क्या होगा आपकी तरफ से? जी, छात्रों के लिए विशेष सुविधा ही होगा कि जिससे मतलब कि बहुत सारा ऐसा जगह है, जिससे कि ढिबरा पर एक स्कूल चलता था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया धारूपुर, तो बच्चा थी से जो 5 तक वो चलता था, तो 5 तक के बच्चा, 5 तक का जो बच्चा जो क्रॉसिंग पार करके ढिबरा पर से अगर जाएगा पढ़ने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है इस शहर की जो अभी व्यवस्था जाम का है उसमें, लेकिन वहां से स्कूल को स्थानांतरण कर दिया गया धारूपुर, जो रेलवे क्रॉसिंग के पास स्कूल है उसको। मैं पहला काम करूंगा कि उस स्कूल को मैं लाने के लिए सरकार से प्रयास करूंगा कि वहीं पर चलाया जाए, जिसमें कि गरीब गुर्जे
गरीब गुरबे के बच्चे जो हैं वो स्कूल में वहीं पर पढ़ें, जहाँ की सुरक्षित महसूस करें। और यही मेरा पहला काम रहेगा कि हर वार्ड में जहाँ पर भी पहले से स्कूल है, जिसे उर्दू स्कूल था ये आपके ढिबरा पर सुनारी मोहल्ला में, उसको भी कहीं दूसरे जगह कर दिया गया, उसको भी लाने का प्रयास किया जाएगा। इस सारे स्कूल को प्रयास किया जाएगा कि पुनः पिछले जिस जगह पर चलता था, सरकार से प्रयास करके वहां पर चलाने का प्रयास किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण के बारे में आपकी क्या राय होगी? नारी सशक्तिकरण के बारे में ही है कि नारी की सुरक्षा देना सबका अथी है कि मतलब कि कोई बाजार करने आए या पढ़ने आए, चाहे जो भी ढंग से आए, सबको सुरक्षा मिले, और इस पर हमारा अथी ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है, जो सहयोग राशि दी जाती है, या जो भी नियम कायदा जो भी कानून होता है, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सरकारी योजना है, देखिए बात तो सही है कि पिछले विगत में भी अढ़ाई मैंने 5 बरस से उस नगर परिषद के कार्यकाल चलाने का मौका मिला, और उस समय सरकार का नियम था कि नगर परिषद से ही तीनों पेंशन का राशि वितरण होता था, लेकिन कुछ समय के बाद उस राशि को सरकार द्वारा खुद के ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब खाता में कर दिया जाता है। तो हम लोगों के बेरी जो राशि उपलब्ध होता था वो नगर परिषद में ही हर वार्ड के जनता को बुलाकर वहीं पर वितरण कर दिया जाता, नगद हाथ में दिया जाता था। लेकिन सरकार का नियम चेंज हुआ, उसको खाता में डालने लगा लोग और सरकार के द्वारा आया, लेकिन उसमें एक ऐसा पेंशन है जो कि 4 साल से विगत बंद है, जो विकलांग पेंशन है, उसको बंद कर दिया गया। अब इसके बारे में मौजूदा सरकार उस पर क्यों नहीं सोचा, अब ये हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार में आते इस पेंशन को चालू कराने के लिए मैं सरकार से, बिहार सरकार से इस पर एथी करूंगा कि किस एथी में बंद है। आप युवा पीढ़ी के बारे में आपका संदेश क्या रहेगा? युवा पीढ़ी के बारे में मेरा संघर्ष सही रहेगा। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उसके बारे में आपका क्या संदेश रहेगा उन लोगों के बारे? जो बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, तो बहुत सारे युवा है जो कि अभी बहुत प्रयास कर रहे हैं हर वैकेंसी का, और उसके बाद अगर नहीं, भगवान करे कि सबका कहीं ना कहीं लगे और प्रयास कर रहे हैं लोग, तो मेरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को जितना से जितना अगर हमसे मदद होने लायक है, मतलब कि सरकार में हम आए, तो फिर उन लोगों को भी रोजगार देने का मेरा एक भूमिका रहेगा, और सभी युवाओं को कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाएगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होती है? मेरी सबसे मेरा पहला प्राथमिकता है कि नगर में जितने फुटपाथ पर दुकानदार हैं, इन लोगों की अस्थाई व्यवस्था के लिए मैं सरकार से लड़ूंगा, और लड़कर अस्थाई इन लोगों की जगह की व्यवस्था कराई जाएगी, जिस तरह से कि अस्थाई रूप से ही कहीं अपनी व्यवसाय को कर सके। अगर अस्थाई रूप से वो व्यवस्था करेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों गरीब लोग जो ठेले पर लगाकर दुकान बेचते हैं, जिससे 10-10, 15-15 परिवार जिंदगी अपना व्यतीत करते हैं, तो अस्थाई रूप से हो जाएंगे तो शहर की सड़क जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा जी। और जो चलंत ठेला है वो गरीब आदमी तो बेचेंगे ही, लेकिन जगह रहेगा तो बैक में पीछे में जाकर वो अपना बेचेंगे, और बेचने के बाद शहर की जाम की मुक्ति कुछ उससे मिल सकता है। 9 जून को जो होने वाला है, तो जगह नाम आपका अंतिम अपील क्या होगा? जी, मैं सभी जनता को अपील करना चाहता हूँ, अपने गार्जियन, अपने माता बहन, बड़े भाई छोटे भाई, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि विगत 22 वर्षों में हमने सिर्फ समाज का सेवा किया है, और हमने समाज का सेवा करके और समाज के बीच में रहकर हमने सब दुख सुख में भाग लिया, और मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स है, उस लेटर बॉक्स का क्रम संख्या 26 पर अंकित है, ईवीएम के दूसरे मशीन में 26 पर अंकित है लेटर बॉक्स। मैं सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए।
महापर्व में नगर परिषद चुनाव जो 9 जून को होने वाला है, इसमें नगर परिषद के समस्त मतदाताओं से आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार कर रहा हूँ और तमाम नगर परिषद के सभी सम्मानित गार्जियन, माता बहन, बड़े भाई छोटे भाई सबको मेरा नमस्कार। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा गड़बड़ा देना,